प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। लोग कर्मा के बारे में काफी बात करते हैं और आजकल जो कर्म शब्द या कर्मा शब्द का उपयोग होता है वो एक नकारात्मक रूप से होता है। जैसे मानो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कहेंगे भाई इसको कर्मा मिला। वो कर्म से ही शब्द है लेकिन कर्मा बोलते हैं जनरली लोग आजकल कि ये कर्मा का फल है। और लेकिन कर्मा बेसिकली कार्य होता है। कोई कार्य जो एक व्यक्ति करता है उसको कर्म या कर्मा कहते हैं। और ज्यादा फिलोसॉफिकल लोग ये भी कहते हैं कि हमें कर्मा के फलों से आजाद होना चाहिए, बस कर्म करे जा, फल की चिंता ना कर। जब कोई गरीब भिखारी दिखता है या कोई बहुत बीमार व्यक्ति दिखता है, जैसे कोढ़ी हो या किसी को कैंसर हो जाता है या कोई बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस जाता है आर्थिक रीति से, तो लोग कहते हैं इसका कर्मा होगा। और जो इन्होंने अपने पिछले जीवन में बोया था उसी को वो काट रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं वो कर्मा को पॉजिटिव भी लेते हैं, सकारात्मक रूप से। कोई व्यक्ति जो बहुत ही अमीर होता है ना, कहते हैं कि भाई ये चांदी की चम्मच के साथ जन्मा था। और कोई बड़ा बुढ़ापे तक तंदुरुस्त रहता है, अच्छी हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ उनकी होती है। या कोई बुरा आदमी है लेकिन फिर भी वो सब कुछ उसके साथ ठीक है, है ना। हम कहीं ऐसे नेता देखते हैं जो जिनको कुछ नहीं होता और वो काफी बुराई भी करते हैं, या ये कहे जो सही करना उनकी क्षमता है, उनकी क्षमता में है, वो नहीं करते लेकिन उनके साथ फिर भी सब ठीक रहता है। तो लोग कहते हैं कि ये इसलिए है क्योंकि पिछले जीवन में इन्होंने अच्छे काम किए थे, है ना। तो ये कर्मा की फिलोसॉफी लोग विश्वास करते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म, है ना। मैं भी खुद जब मैं अपनी इंजीनियरिंग पढ़ रहा था तो मुझे दमा के काफी अटैक्स होते थे, आस्थमा अटैक्स। तो मुझे पिछला जीवन तो नहीं लेकिन मुझे लगता था कि मेरा जो पहला जन्म था, जीवन नहीं जन्म, मेरे पिछले जन्म में मैंने ऐसे पाप किए थे जिसकी सजा अब मुझे मिल रही है। और इस कारण मैं काफी सोचता था कि मेरे पाप कैसे क्षमा हो सकते हैं, कि जो ईश्वर है वो इसी नाम से नहीं लेकिन जो सृष्टि करता एक ईश्वर है वो मेरे मन को दिल को जानता है, मेरे पापों को जानता है। और मुझे होता था कि किसी प्रकार से मैं अंदर से शुद्ध हो जाऊं, और इसके लिए मैंने संघर्ष भी किया लेकिन मेरा संघर्ष निष्फल रहा। और तब मुझे उत्तर मिला जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, धर्म पुस्तक के रूप में नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के रूप में। मुझे किसी ने बाइबल थमाई नहीं मेरे हाथ में, मैंने जाकर मांगी, मेरी इच्छा थी। और तब मुझे पता चला प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया था, वो तो पापियों का उद्धार करने आया था, जगत को बचाने के लिए आया था, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, पापों की सजा नरक का दंड है जो हमारे सहने से बाहर है। ये परमेश्वर भी जानता है, इसलिए परमेश्वर का पुत्र इस जगत में उन पापों की सजा को अपने ऊपर लेने आया ना? बाइबल क्या कहती है? सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सारे संसार ने अपने आप को बिगाड़ दिया है, इंटरनेट के द्वारा, फोन के द्वारा, अश्लीलता से अपने आप को बिगाड़ दिया है, अपने शरीरों को खराब कर दिया है,
आपको मालूम है अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन ये होमोसेक्सुअल कम्युनिटी का होता है, जो उनके लिए अच्छा बोलते हैं उनके लिए बहुत वो फंडिंग करते हैं। तो इतना भयानक समय आ चुका है, लोग अपनी अश्लीलता में घमंड करते हैं, हर जगह पाप और उपद्रव है। जल प्रलय आने से पहले ऐसा ही समय था जब पूरे संसार पर जल प्रलय आया था और सिर्फ 8 लोग एक परिवार के बचे थे। प्रभु यीशु ने कहा कि यह एक बुरा और व्यभिचारी पीढ़ी है, पूरा संसार दुष्टता में है, मनुष्य अधर्म को पानी की नाई पीता है। हे परमेश्वर, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु तेरे सामने कौन खड़ा रह सकता है। वचन 133 कि यदि तू हमारे अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु तेरे सामने कौन खड़ा रह पाएगा। कुछ लोग कहते कि भाई अगर तुम्हारे अच्छे काम बुरे कामों से ज्यादा होंगे तो तुम स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन तुम अच्छे कामों की परिभाषा क्या दोगे। एक व्यक्ति था अधेड़ उम्र का, 40-45, एक मुझे पता नहीं ये सच्ची कहानी है या काल्पनिक है या इसी प्रकार की कोई कहानी शायद हुई होगी। तो वो व्यक्ति हत्या में पकड़ा गया, किसी मर्डर किया उसने, पुलिस केस हुआ, सब कुछ हुआ और जज के सामने अब उसका केस पेश हुआ। और उस आदमी ने कहा कि सर मैंने पूरे जीवन भर अच्छे काम किए, मैंने जब भी मौका मिला गरीबों को दान दिया, कुछ ना कुछ पैसा दिया, मैंने मेरे पड़ोसियों की और बुजुर्ग लोगों की सेवा की, अगर पता चलता था तो मैं दौड़कर जाकर उनकी मदद करता था, मेरे माँ बाप की मैंने दिल से सेवा की अपने जीवन में, मैंने चींटियों तक का खाना दिया, मैंने गाय को भी खाना दिया, कभी मैंने नॉनवेज खाना नहीं खाया अपने जीवन में, मीट मच्छी कभी नहीं खाया, और सर मैंने माय लॉर्ड मैंने प्याज और लहसुन ये चीजें भी नहीं खाई, तो सर बस ये एक बार मैंने गुस्से में आके ये काम कर दिया। तो जज ने कहा कि बेटे जो भी तूने किया अच्छा किया, और मैं आशा रखता हूं जिनके लिए तूने अच्छा किया वो उस बात को मानेंगे भी, अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ये हत्या उन कामों के आधार पर मैं माफ नहीं कर सकता, इसकी जो सजा है मुझे लिखनी ही पड़ेगी, ऑर्डर देना ही पड़ेगा, और तेरे सारे भले काम भी अगर तू जोड़ दे तो इस बुरे काम के को हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, सजा तुझे मिलनी अवश्य है। वैसा ही हमारा परमेश्वर के सामने हमारी स्थिति है। बाइबल मुझे समझाती है भजन 51 में कि देख मैं तो पाप की अवस्था में अपने माता के गर्भ में पड़ा, बचपन से ही जन्म से मेरे अंदर पाप का स्वभाव था, जो भलाई में जानता हूं मैं कर नहीं पाता, जो बुराई में जानता हूं मैं छोड़ नहीं पाता, तो मैं क्या करूं, मेरे अंदर एक पाप की व्यवस्था है जो मुझे मजबूर करती है। ये एक परमेश्वर के दास की शिकायत थी, लेकिन फिर वो कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, यानी प्रभु यीशु मेरा हल है, जब वो मेरे जीवन में आता है तो उस बुराई को, उस पाप को, पाप की ताकत को तोड़ता है और मुझे आजाद करता है। क्रूस पर अपनी जान दी, मेरे कर्म तो कैसे भी थे लेकिन उसने क्रूस पर जो कर्मा पूरा किया, मेरे आपके पापों की सजा को अपने ऊपर उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, पूरा पवित्र बलिदान से भरपूर कर्मा प्रभु यीशु ने पूरा किया। और अगर मैं पश्चाताप करके उस पर विश्वास करता हूं या आप करते हैं तो पर प्रभु यीशु अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है।
यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो अपने कर्मों की पर भरोसा ना रखें, उनके लिए तो पश्चाताप करें, और प्रभु यीशु ने जो कर्मा कलवरी के क्रूस पर पूरा किया उस पर भरोसा करें, उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दें।